पूरे दुनिया में आईपीएल के सफलता के बाद जिस तरीके से बीसीसीआई ने डब्ल्यूपीएल की शुरुआत किया है और डब्ल्यूपीएल के अपार सफलता के बाद अब इसका क्रेज छोटे छोटे शहरों में भी देखने को मिला है। जैसे कि हम आरा में मौजूद हैं और आरा के ये वीर कुंवर सिंह स्टेडियम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो बच्चियाँ हैं वो क्रिकेट खेल रही हैं और इन लोग का इच्छा है कि ये लोग डब्ल्यूपीएल में खेलें, महिला प्रीमियर लीग जो भारत बीसीसीआई करा रहा है, या फिर भारतीय टीम में खेलें। तो कहने का मतलब ये है कि जब से महिला क्रिकेट प्रीमियर लीग का शुरुआत भारत में बीसीसीआई के द्वारा किया गया है, उसके बाद से ही क्रिकेट को लेकर के जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं या फिर सीनियर युवतियां हैं, उन लोगों में क्रिकेट को लेकर के काफ़ी क्रेज बढ़ा है और आरा जैसे शहर में भी क्रिकेट को लेकर के इन दीवानगी देखने को मिल रही है। जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे जो बच्चियां हैं वो क्रिकेट को लेकर के प्रैक्टिस कर रही हैं, उधर नेट प्रैक्टिस में बैटिंग में भी लड़कियां प्रैक्टिस कर रही हैं। इसमें से भी कई ऐसी लड़कियां हैं जो बिहार क्रिकेट के लिए टीम में भी खेल चुकी हैं। हम इन लड़कियों से बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि आखिर इन्होंने क्या सोच करके क्रिकेट खेलना शुरू किया है और इनका लक्ष्य क्या है, कहाँ तक ये जाना चाहती हैं, क्यों आप क्रिकेट खेल रही हैं? हम क्रिकेट खेल रहे अपने बिहार टीम के लिए, इंडिया टीम के लिए, ताकि हम खेलते खेलते अपने कंट्री का नाम रोशन करें, अच्छा करें। गर्ल्स टीम जो मैचेस होते हैं आईपीएल ये सब, उन टीमों में जाना चाहते हैं, हमारे इंडिया का नाम रोशन करना चाहते हैं, इसलिए हम क्रिकेट खेलते हैं। कब से आप क्रिकेट खेल रही हैं? हम क्रिकेट करीब 6 महीने से खेल रहे हैं। 6 महीने में अभी तक क्या इम्प्रूवमेंट आपने हुआ है? मेरा बॉलिंग इम्प्रूव हुआ है, बैटिंग हुआ है, फील्डिंग कैचिंग सब इम्प्रूवमेंट हुआ है। यहाँ पर किस कौन सिखाता है आपको? यहाँ पे हमारे विजय सर है, कोच है, वो सिखाते हैं हम लोग। क्या क्या सुविधा यहाँ मिलता है? यहाँ सारी सुविधाएं हैं, बॉलिंग पैडिंग, बॉलिंग पैड अप किट सब चीज़ है। क्या आप सोच करके क्रिकेट खेलने आई है? हम ये सोच के खेलने आए हैं कि इंडियन टीम के लिए सिलेक्ट हुआ, बिहार का नाम रोशन हो। और जब से मैंने डब्ल्यूपीएल देखा है तो हम लोग के अंदर और उत्साह बढ़ गया है कि हम भी लोग डब्ल्यूपीएल खेलें। तो ऐसे आरा जैसे छोटे शहर से अभी तक तो कोई लड़की उस लेवल पर गई नहीं है, तो आपको कैसे ये लगता है कि आप खेल सकती हैं? कैसे खेल रहा है कि हम लोग के जो कोच है हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं और खेलने में भी बहुत हम लोग का मन है खेलने का, इसलिए हम खेलते हैं। आप कितने दिनों से खेल रही हैं? 6 महीने से। क्या करती हैं, बॉलिंग या बैटिंग? ऑलराउंडर। तो आपने साफ तौर पर सुना है कि इन लोगों का डब्ल्यूपीएल या फिर इंडियन क्रिकेट टीम के जर्सी पहन करके खेलना सपना है, और आरा जैसे छोटे शहर में बच्चियों का और लड़कियों का क्रिकेट खेलने का क्रेज जो बढ़ाए हैं वो ये कोच है, ये इनका नाम विजय कुमार विजय है, और इनके वजह से ही इस क्रिकेट का शुरुआत यहाँ पर बच्चियों का हुआ है। हम इनसे पूछते हैं, आरा जैसे छोटे शहर में लड़कियों को क्रिकेट खिलाना और पहली बार ऐसा कुछ शायद हो रहा है, कैसे आप शुरुआत की? ये शुरुआत तो हमने 2004 से ही किया हुआ है, और जब बिहार का मान्यता खत्म हुआ था क्रिकेट का, उस समय से लड़कियां मेहनत कर रही थी क्रिकेट में, लेकिन अभी फिलहाल 5 सालों से फिर से बिहार एक्टिव हुआ। तो हमारे यहाँ से एक्टिव जब बिहार हुआ तो करीबन 4 खिलाड़ी यहाँ से बिहार टीम के लिए प्रतिनिधित्व की, जैसे मैं अभी फिलहाल 2 खिलाड़ी यहाँ पे हैं, अनामिका राज और सुप्रिया सिंह। अनामिका राज 3 बार बिहार टीम को रिप्रेजेंट की हैं और सुप्रिया 2 बार। तो जैसा कि आपने सुना है, ये कुमार विजय हैं जो बच्चियों को प्रशिक्षण देते हैं और मुफ्त प्रशिक्षण देते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इनका कहना है कि घर से निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर लोगों की सोच जो है वो छोटी है, लड़कियों को बाहर स्पोर्ट्स के नाम पर निकलने नहीं दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो प्रशिक्षण बच्चियों को दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, वो मुफ्त दिया जाता है, ताकि बच्चियाँ यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, उन पर पैसे का दबाव ना हो। और इन कुमार विजय जो कोच है, इनके अलावे भी एक समूह है जो इन बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए और क्रिकेट खिलाने के लिए, देश स्तर पर ले जाने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से फिजिकली मेहनत हो या फिर आर्थिक रूप का मदद हो। अब देखने वाली बात होगी कि जो बच्चियां यहां पर क्रिकेट खेल रही हैं, जिनके हौसले बुलंद हैं, वो डब्ल्यूपीएल में कब अपना जगह बना पाती हैं या फिर भारत के लिए भारतीय जर्सी में कब खेल सकती हैं। न्यूज 18 के लिए भोजपुर से गौरव सिंह।